हेलो, मैं रजनी खुराना, मैं एनएलपी की ट्रेनिंग क्लासेस लेने के लिए सेकंड साइड फाउंडेशन में आई थी। यहाँ पर मैंने एनएलपी की 2 दिन की ट्रेनिंग ली जो कि हमें योगेश शर्मा जी ने दी। उन्होंने इतने आसान तरीके से समझाया और इतना, मैंने पहले भी वैसे बहुत सारी वर्कशॉप इससे रिलेटेड की हैं, मगर जितना ज़्यादा फ़ायदा मुझे इस वर्कशॉप में हुआ है शायद मैं कहूँगी कि पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हमें समझाया हमारी लैंग्वेज में कि जो NLP मुझे बड़ी टफ लगती थी पहले, वो बहुत ईजीली मेरे को सब समझ आ गया। सर, एक्चुअली पहले तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पे किया था, यहाँ तो मैंने बहुत ही कम पे किया और मुझे सच बताऊँ तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे यहाँ इतना कुछ मिलेगा। मैंने सैटरडे संडे सोच के ज्वाइन कर लिया था, मगर यहाँ आके तो मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि जितना मैंने दिया है वो तो कुछ भी नहीं था। NLP से आप बताना चाहोगे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में, उसको NLP क्यों सीखना चाहिए, क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसको? क्योंकि सर हमें कुछ पता ही नहीं होता। एक्चुअली हम तो ज़िंदगी को जैसा हमने सीखा है पहले, मतलब जो नॉर्मल इंसान हर कोई सीखता है उसको कुछ पता ही नहीं होता। ये सब हमें यहाँ आके ही पता चलता है कि जो चीज़ें हम जैसे देखते थे वो वैसी होती ही नहीं है, उनका सारा तरीका। इससे तो मतलब एक तरह लाइफ चेंज कहूँगी कि हो जाता है, और हमारे इतने सारी जो छोटी छोटी बातों को हमने इतना हैवीली लिया होता है जिसे कि पता नहीं, हम तो पहाड़ की तरह सोचते हैं, वो लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, तो इतनी इजीली सारे पर्दे कह लो कि आंखों से हट जाते हैं। और इससे हम आगे भी अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी जैसे कैरियर में भी, हर जगह हम इसको यूज़ करके मतलब हर प्रोस्पेक्ट में लाइफ के इसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ये तो हमारे मतलब इंडियन गवर्नमेंट को स्कूलों में ही कंपलसरी कर देना चाहिए, बल्कि इसको तो एज ए सब्जेक्ट कभी लिया ही नहीं और हमें भी पता नहीं था जब तक हमने इसको सुना नहीं, सीखा नहीं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम डालिया पाल है, मैं तो कोलकाता से आई हूँ। सेकेंड साइट फाउंडेशन में मैं 2 दिन का कोर्स किया है NLP का। ये जोगेश जी ने बहुत अच्छा तरीका से, बहुत इजी प्रोसेस से हमें ये कोर्स कंप्लीट कराया। हमें तो पहले ये कोर्स के इतना इजी प्रोसेस है ये हमें पता ही नहीं था, लेकिन ये क्लास 2 दिन के बाद हमें पता लगा कि लाइफ में सब कुछ हो सकता है, सब पॉजिटिव हम सोचने लगे हैं। तो ये NLP कोर्स तो हर बंदे को करनी चाहिए, हर स्कूल में ये होना चाहिए, ये सबको मतलब ये कोर्स मेरे ख्याल से सबको ये कोर्स पे अटेंड करना चाहिए, ये कोर्स कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप अपने वर्डों में किसी को समझाना चाहते हो कि NLP है क्या बेसिकली, मतलब क्या साइंस है ये, किस चीज़ का साइंस है, ये NLP से बहुत हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आ जाते हैं, जो नेगेटिव चीज़ है वो तो निकल जाते हैं पूरी माइंड का, ये जो है माइंड का एक प्रोसेस डाल देते हैं माइंड का, जो रिलेशनशिप में जो हमारा अंदर जो रिलेशनशिप में अंतर आते हैं वो रिलेशनशिप सही करते हैं, जो बच्चे के अंदर जो कमियां है वो पूरे करते हैं। ये छोटे छोटे बहुत चीज़ हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये NLP के थ्रू हमें ये सारे सॉल्व हो जाता है। ये हर बंदे को ये NLP का कोर्स करना चाहिए। अगर ये सेकेंड साइड फाउंडेशन में NLP का कोर्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी प्रोसेस से हमने सीखा है, आप लोग की भी इधर आके ये सीख सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। जो फीस आपने पे करी है क्या वो? ये फीस तो बहुत ही कम है, हर जगह हमने पता किया, हमने किया भी है, लेकिन इतना कम पैसे से इतना अच्छा तो हमें इधर आके हमें ये मिला है, तो ये फीस बहुत ही कम है, आप लोग को इधर आके ये कोर्स कंप्लीट करनी चाहिए। आप कहना चाहोगे कि लोगों को इसका बेनिफिट सेकंड साइड फाउंडेशन से, सेकंड साइड फाउंडेशन से 100% लेना चाहिए। थैंक यू मैम फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।